मैं इरशाद पुरनवी अपने कस्बा विधानसभा को बदलने के लिए, विकसित करने के लिए हमारे साथ आप तैयार हो जाइए। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। बाल कथावाचक अभिनव अरोड़ा को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जान से मारने की धमकी मिली है। पिछले कुछ दिनों से अभिनव का नाम सोशल मीडिया और समाचार पत्रों में छाया हुआ है। हाल ही में उन्होंने जगत गुरु राम भद्राचार्य के साथ मंच साझा किया था, जहां राम भद्राचार्य ने उन्हें मूर्ख बालक कहकर मंच से उतार दिया था, जिसका वीडियो आप सबने सोशल मीडिया पर भी देखा होगा। अभिनव ने इस घटना पर कहा कि इस डांट में भी प्यार छिपा है, जो उनकी धार्मिक आस्था को मजबूत करता है। अभिनव की उम्र केवल 10 साल है, लेकिन उन्होंने धार्मिक ज्ञान और भक्तों में अपनी गहरी रुचि साबित की है। वह नियमित रूप से भगवान के प्रति अपने भक्ति वीडियो सोशल मीडिया पर साझा करते हैं और लाखों फॉलोअर्स के साथ एक प्रभावशाली यूट्यूबर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के रूप में जाने जाते हैं। अभिनव का दावा है कि वह भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम का अवतार है, जो उनके अनुयायियों के बीच उन्हें खास पहचान देता है। दिल्ली में रहने वाले अभिनव कहीं न कहीं मशहूर लेखक तरुण राज अरोड़ा के बेटे बताए जाते हैं और अभी 5वीं कक्षा में अभिनव पढ़ते हैं। वह हमेशा धोती कुर्ता पहनते हैं। आप सोशल मीडिया के माध्यम से फोटो में आप देखे भी होंगे और उनके माता पिता का मानना है कि उनके बेटे की अध्यात्म में गहरी रुचि है। पूरे देश में अपने प्रवचनों के जरिए उन्होंने बाल संत के रूप में अपनी पहचान बनाई है। हाल ही में अभिनव ने राम भद्राचार्य द्वारा उनकी डांट के वीडियो को लेकर अपना पक्ष रखा और उन्होंने मथुरा थाने में इस वीडियो को वायरल करने वालों और उनके सोशल मीडिया पर ट्रॉल करने वाले के लिए एक खिलाफ एक FIR दर्ज कराई है। अभिनव ने इस मामले को लेकर कहा कि हम इस मामले को लेकर कोर्ट जा रहे हैं और ये कार्रवाई हमने ट्रॉल्स और यूट्यूबर के खिलाफ की है। अभिनव ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि मैं तो सनातन धर्म का प्रचार करना चाहता हूँ। राम भद्राचार्य की डांट में भी प्रेम छुपा होता है। उन्होंने मुझे डांटा तो उसमें भी मैंने आशीर्वाद समझकर लिया। अभिनव की यह कहानी हमें दिखाती है कि किस प्रकार एक युवा बाल कथा वाचक अपनी धार्मिक आस्था के प्रति समर्पित है और किसी भी मुश्किल के सामने डटकर खड़ा है। उनकी दृढ़ता और साहस से यह संदेश मिलता है कि धर्म का प्रचार करना केवल एक कर्तव्य नहीं बल्कि एक जज्बा है जो हर इंसान के अंदर होनी चाहिए। अगर आप लैपटॉप लेने की सोच रहे हैं तो स्टार कंप्यूटर चले आएं और सबसे कम कीमत पर अच्छे लैपटॉप को अपना बनाएं। स्टार कंप्यूटर। अपने करियर और अपने व्यवसाय को दें एक नई उड़ान बेंगलोर IT सॉल्यूशन के साथ। फायदे का मौका पाएं और कम बजट में बेहतरीन कंप्यूटर और लैपटॉप अपने घर ले जाएं। पता पूर्णिया जिला स्कूल अपोजिट पूर्णिया बिहार। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करें।